नमस्कार, मैं अभिनव अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अग्रसेन महाविद्यालय। आज सभी छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम से संबंधित कुछ टिप्स लेकर आया हूं, जिसमें क्योंकि अभी आपके एग्जाम आ चुके हैं और एग्जाम चालू हो गए हैं, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप्स है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई पर बहुत ही अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो टिप्स कुछ ऐसा है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले एक समय निर्धारित कीजिए। जैसे कि आपने एक घंटे पढ़ाई के लिए रखे हैं तो उसमें ये निर्धारित कीजिए कि 50 मिनट मुझे पढ़ाई करना है और 5 से 10 मिनट मुझे ब्रेक लेना है, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अब जब 50 मिनट आपने अपने को समय दिया है, हर एक घंटे में आपको 50 मिनट्स अपने आप को समय देना है, अब उसमें पढ़ाई कैसे करनी है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उस 50 मिनट में बैठने से पहले, पढ़ाई करने बैठने से पहले, सब सर्वप्रथम आपको अपने आप को एक मैसेज देना है माइंड में। मैसेज कुछ ऐसा होगा कि अभी मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, इस बीच मैंने जो सब्जेक्ट लिया है मैं उसी सब्जेक्ट को ही फोकस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, इसके अलावा मुझे किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मेरा फोकस कहाँ होने वाला है, केवल इसी सब्जेक्ट पर होने वाला है, और इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर मैंने चालू किया है केवल मेरा फोकस उसी चैप्टर के उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा इस पूरे 50 मिनट तक। और इस 50 मिनट में यदि इस चैप्टर का मेरा एक पॉइंट भी होता है या पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है या पूरी बुक खत्म हो जाती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप जब मैसेज देते हैं अपने आप को, तो आप एक माइंड को आपने रेडी कर लिया है पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि जनरली हमारे साथ होता क्या है, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड रेडी नहीं होता, हम कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, यहाँ वहाँ के बारे में सोचने लगते हैं। हम एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं और हमें चिंता चालू हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट्स की, कि इसमें भी वैसा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में इतने बचे हुए हैं। तो जब आप ये मैसेज देते हैं तो वो चिंता आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने माइंड को तैयार कर लिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और आपने ये भी सरेंडर कर दिया कि 50 मिनट में जितना भी होता है वो मेरे लिए सफिशियंट होगा। तो आप यकीन मानिए बच्चों, इस 50 मिनट में आप बहुत सारा पढ़ाई कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और एग्जाम के टाइम में खासकर ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। वैसे आप इसे पूरे साल भर जब आपका पढ़ाई चलते रहता है उस बीच भी इस मेथड को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये मेथड हमने बहुत से बच्चों पे अप्लाई किया है और 100% सक्सेस इसमें पाया हुआ है। अभी आप जरूर करके देखिए और फिर हमें बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट मिला है या नहीं। लास्ट में बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप बैठिए पढ़ने के लिए, आप एक समय निर्धारित कीजिए कि इतने समय तक मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ। आपको मैसेज देना है आग बंद करके अपने आप को, मम्मी पापा को, सभी को बोल दीजिए कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, जिससे कोई भी आपको कुछ काम नहीं करेगा कहेगा। मम्मी पापा को और अच्छा लगेगा कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, तो आपका हेल्प ही करेंगे। तो उनको भी बता दीजिए मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। अपने आप को मैसेज दीजिए, तैयार कीजिए कि मैं अभी पढ़ाई करने वाला हूँ और मुझे बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरा पढ़ाई इस 50 मिनट में जितना भी होगा मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा। और उसके बाद फिर आप देखिए, करके देखिए और फिर हमें बताइएगा कि इसका आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। तो ये था आपके लिए छोटा सा टिप्स अग्रसेन महाविद्यालय से। मैं अभिनव अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।